तो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए फर्दर, कैलकुलेट कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस एंड CO2 गैस। हाइड्रोजन गैस बोले तो क्या, एच या H2? H2, H2 सर। H2, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोलर का एच का एच बोले तो एटम हो गया, एटॉमिक मास लेंगे, H2 बोले तो मॉलिक्यूलर मास, टू, ठीक है। कंटेनिंग H2 एक बार गैस फिर एंड से CO2 क्वेश्चन टू गैस। बताइए ना पूरा, एक बार फिर से क्वेश्चन बताइए ना पूरा, मेरा थोड़ा कमी अच्छा नहीं था। अच्छा, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस एंड CO2 गैस। कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस एंड CO2 गैस, फुल स्टॉप। क्वेश्चन का पहला पार्ट, इफ परसेंट बाई मोल FH2 इज 20, सॉल्व करिए। बहुत इजी है भाई, 20% है ये, तो 80% क्या हो जाएगा, CO2 है ना। थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स 35.6 ग्राम पर यस मोल। सर। तो 35.6 ग्राम पर मोल, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट। फॉर्मूला लगा देना था, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये 20% है, तो 20 इंटू इसका मास कितना होता है, 2 प्लस CO2, 80 इंटू कितना मास होगा, 44 44 अपॉन 100, ये 20 प्लस वो 80, सॉल्व कर लीजिए, क्या आ रहा है, 35.6 सिक्स ग्राम पर मोल, ठीक है। हाँ सर। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट, 1% बाई परसेंट बाई मास ऑफ
तो बहुत ब्लर हो गया। नहीं सर क्लियर है, क्लियर है, ब्लर है, पूरा क्लियर है, ब्लर हो। अच्छा क्लियर हो, क्लियर हो गया। तो वैसे भी क्वेश्चन देख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1% बाय मास परसेंट, वे सेम क्वेश्चन बट पिछला वाले क्वेश्चन बस परसेंट बाय मोल की जगह मास है ऑफ H2 इज 20% बस। नहीं आ रहा? आ रहा सर, थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में, फंडामेंटल अगर सर दो मिनट, सर दो मिनट, अच्छा थोड़ा वेट कर, हाँ सर थोड़ा सोचने में टाइम लग रहा सर। हाँ बोलिए। 39.8 ग्राम पर मोल? नहीं इतना पास नहीं आएगा, दूर है आंसर थोड़ा। वापस से नोट्स देखिए, वापस से नोट्स देखिए, कल का जो नोट्स था ना इसका, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास और इसका, वापस से नोट्स देखिए, आपको स्ट्राइक कर जाएगा कैसे करना है।
है वैसे बहुत इजी, इतना टफ नहीं है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब अगर आपको स्ट्राइक कर गया कैसे करना है तो फिर इतना टाइम लगता ही नहीं, और इतना नहीं कर रहा है स्ट्राइक तो फिर उसमें भी सोचने वाली बात है क्यों नहीं कर रहा है, इतना इतना टफ भी नहीं करना। देखिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला, एक सबसे पहला फॉर्मूला बेसिक यही था, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल। इसी से आया था ना वो, फिर एम वन एन वन इसी से फिर आया था। तो यहाँ पे मोल नहीं दिया, मास दिया आपको सीधे। ये 20% है तो आप अगर 100 बेसिस मानेंगे तो 100 ग्राम बेसिस मानना पड़ेगा आपको इसमें। जैसे यहाँ पे 20% है तो आप 20 ही ले रहे ना सीधे, 20 मोल ले लिया था आपने तो वैसे ही 20 ले लीजिए, 20 ग्राम ले लीजिए सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, तो ये 20% मतलब 20 ग्राम हो गया, तो CO2 कितना हो गया 80 ग्राम, तो टोटल वेट क्या हो गया 100। तो ये जो M1N1 था M2N2 ये वेट ही आता था ना, है ना? Yes. मोल इंटू मोलिकुलर मास वेट आता है, तो यहाँ सीधे वेट दिए, आपको ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे आप जब आपको डायरेक्ट वेट दिया है तो, है? तो देखिए ये हो जाता है रट्टा, जब कोई फॉर्मूला सामने आ जाता है तो हम लोग उस फॉर्मूले को रट्टा कर लेते हैं, हर बार वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के पीछे भागते हैं, ये नहीं सोचते कि वो फॉर्मूला यूज ही क्यों करे जब पहले ही वेट दिया हुआ क्वेश्चन में। नहीं, अब मोल नीचे क्या था, टोटल मोल, तो मोल तो निकालना पड़ेगा, तो इसका मोल क्या हो जाएगा, वेट है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 प्लस CO2 का मोल 80 अपॉन 44। मोल तो आपको निकालना पड़ेगा ना, वेट दिया था, मोल तो नहीं दिया था, यहाँ क्या था डायरेक्ट मोल गिवन था तो सीधा आपने मोल रख दिया, यहाँ मोल नहीं वेट गिवन, तो वेट से मोल कैसे निकालते हैं, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। सॉल्व कर दीजिएगा, ये 100/13 आता है अप्रोक्स, शायद 110/13 आएगा, देख लीजिए सॉल्व करके। हाँ सही है, ठीक है, समझ में आया ना, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है वो ये मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, 110/13 आ रहा है, फटाफट कैलकुलेट करना सीखिए। हाँ नहीं आया सर, वही है आया ना, वही है ना, ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करे भाई बाकी लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन हो गया, इसके दो ही पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नया क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ एयर एट 300 केल्विन टेम्परेचर, 300 एट 300 केल्विन टेम्परेचर and 1 atm pressure, density of air at 300 kelvin temperature and 1 atm pressure. Sir, kya ek minute repeat kar, calculate, do bar already bol chuka, density of air, calculate density of air at 300 Kelvin temperature and 1 atm pressure. इसमें सबसे पहले आप, अच्छा अब इसमें क्वेश्चन है कि क्या भाई एयर का डेंसिटी निकालना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करें, फॉर्मूला तो सर ने लिखा है नहीं, तो आपको फॉर्मूला पहले हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, यूज PV = NRT,
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का हेल्प लीजिए और एक नया फॉर्मूला बनाइए, और एक नया फॉर्मूला बनाइए, बहुत इजी है, एक एक दो लाइन का प्रूफ है, बस खत्म हो जाएगा। करिए सर, मेरा वीडियो थोड़ा अटक रहा है, मैं रीकनेक्ट कर रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है, ठीक है। सर हाँ, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं आधा वो कनेक्शन की वजह से नहीं लिखा। अरे भैया, आधे लाइन का क्वेश्चन है, डेंसिटी एयर का डेंसिटी कैलकुलेट करना है, वो एयर जो 300 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ एयर एट 300 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर। ओके सर। हाँ सर, आंसर अप्रोक्सिमेट 1 ग्राम पर मोल लीटर। डेंसिटी 1 ग्राम पर मोल कैसे आ जाएगा भैया? डेंसिटी 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 के मास में वॉल्यूम होता है ना। हाँ सर। फिर 1 के आसपास आंसर आएगा, करेक्ट है सर। 1 पॉइंट कुछ है, मतलब अप्रॉक्स बताया सर, एग्जैक्ट नहीं निकाला है आंसर। हाँ, आंसर आपका करेक्ट जा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग है, मास बाय वॉल्यूम है और मास अपन निकाले थे एयर का। हाँ सर, 1.27 ऐसा कुछ भी जा रहा है। 27 नहीं, 1.27 नहीं, 1.167 आएगा। ठीक है सर। हाँ सर, क्लोज पहुंच गया, इसलिए आंसर बता दिया। आंसर 1.167 आएगा। यूनिट आप लोग बताइए। सर ग्राम पर लीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना, सेंटीमीटर कहाँ से आ गया सर? ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। हाँ, आर का यूनिट देखिए ना, आर का यूनिट लीटर था ना, लीटर तो वही लीटर चलेगा। सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आ गया? हाँ सर, है ना। देखिए तो फॉर्मूला कुछ बनाया गया आपने? नो सर, फॉर्मूला नहीं बनाया। हाँ सर, बनाया। बताइए फॉर्मूला क्या बना? सर मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्रेशर टाइम्स मास बाय एनआरटी। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है।
देखिए मैं भी एक फॉर्मूला बनाता हूँ, आपने बनाया तो मैं भी बनाऊंगा, देखिए जरा बता दे रहा हूँ पीवी, ये फॉर्मूला यूज होगा आगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स को वेट बाय मोलर मास। यस ले रहे मोल्स के लिख सकते वेट बाय मोलर मास इनटू आरटी। मोलर मास उधर कर दी ले जाइए, अब वॉल्यूम इधर ले आइए, मोलर मास को उधर वॉल्यूम को इधर, क्या हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम आरटी। वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यों डेंसिटी, वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी। हाँ बस बन गया फॉर्मूला, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, याद रखिएगा पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, देख लीजिए। तो अब क्या क्या दिया था वैल्यू, प्रेशर कितना था वन, एयर था ना, अच्छा अब एयर का मॉलिक्यूलर मास रखना है, एयर तो मिक्सचर ऑफ एयर है, सॉरी मिक्सचर ऑफ गैसेज है, O2 भी N2 भी, O2 का मास रखे कि N2 का मास रखे एयर का, बताइए। प्रेशर वन रख दिया, मास क्या रखूं एयर का, मास क्या रखा प्रोने? यही जरूरत होती है एवरेज मॉलिक्यूलर मास की, 28.8 वही लेना था दोनों, कौन बोला दोनों भाई, 28.8 is equal to d r into t, मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा मुझे को वैल्यू ही याद है, r into 300 का वैल्यू क्या लिखा था 24.63 तो वो लिखने से देखिए आपका टाइम बच रहा है ना, बार बार वो कैलकुलेशन करना पड़ता नहीं तो। यस ठीक है, बस डिवाइड कर दीजिए 28.8 अपॉन 24.63 ये आएगा 1.167 ग्राम पर लीटर, मतलब एक लीटर अगर आप लेंगे एयर उसका इतना डेंसिटी आएगा, एक लीटर अगर आप एयर लेंगे उस एक लीटर का वेट क्या होगा 1.167 ग्राम आएगा, 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर, आज के डेट में जो है टेम्परेचर बारिश के दिन में 27-28 चल रहा है रूम टेम्परेचर, ठीक है। और प्रेशर 180 है, मतलब अगर आप एक लीटर का बॉक्स लेंगे इसका मतलब क्या, उसका आप लोग पता होगा ना भाई, 9th में पढ़ते आ रहे हैं, एक लीटर का अगर आप बॉक्स लेंगे ठीक है और उसमें अगर आप एयर भर देंगे तो एक लीटर के जो बॉक्स में एयर ट्रैप होगा उसका वजन कितना होगा, एक लीटर में कितना वजन होगा 1.167 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ, क्लियर है। यस सर, चलिए तो भाई एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट, अच्छा वो डीपीपी वन मिल गया आप लोग को, मिला होगा ना तो, हाँ सर सर वो एक्टिव नहीं किया होगा, साइन कर दिया होगा, तीनों डीपीपी मिले हैं या सिर्फ डीपीपी वन है, वन है सर, वन सिर्फ वन है, सॉल्व हो गया आप लोग से, यस सर, यस सर, डाउट्स आए हैं उसमें, एक दो सर, एक ही सर, एक ही बस एक दो आए, ठीक है देखता हूँ अभी करते डिस्कस, सर कर ले डिस्कस क्योंकि मैं अभी नया सब टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्टार्ट हो गया तो लेक्चर ही खत्म हो जाएगा, कर लेते हैं डिस्कस, निकालिए डीबीपी, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा 10 मिनट में खत्म करेंगे डिस्कस करेंगे।
चलिए डीबीबी वन बताइए डीबी वन में देखिए सर फोर्थ क्वेश्चन नहीं समझा फोर्थ तो टोटल 30 क्वेश्चन है क्या ठीक है फोर्थ क्वेश्चन डायगोनल रिलेशनशिप इज नॉट शोन बाय अच्छा डायगोनल रिलेशनशिप नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने कभी नो सर नहीं पढ़ा कि जैसे पीरियोडिक टेबल में अच्छा मैं ही पढ़ाऊंगा एस लॉग की भी पढ़ाता हूँ प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा कई जगह आपके रेफरेंस बुक में दिख जाता ठीक है डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में वो उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम दिखते हैं और वो एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में डायगोनली प्रेजेंट हैं फॉर एग्जाम्पल लिथियम और मैग्नीशियम किस रेफरेंस में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इनके रिएक्शन के केस में ठीक है लिथियम भी कोवेलेंट ऑक्साइड बनाता है मैग्नीशियम भी कोवेलेंट ऑक्साइड बनाता है लिथियम सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट ये भी मैग्नीशियम भी सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट ये भी तो ऐसे इनके जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स है ना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं ठीक है तो लिथियम बना कर मैग्नीशियम के साथ लिथियम बात क्या आता है अपना बेरिलियम बनाता है एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल है ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ में ठीक है बोरॉन है सिलिकॉन बोरॉन किस साथ बनाएगा सिलिकॉन के साथ तो ऐसे जो है डायगोनल रिलेशनशिप है बोरॉन बस ये तीन ही है बस चौथा कार्बन एंड फॉस्फोरस दे दिया उसने तो सोचेगा ये भी होगा फिर तो नहीं तो किस वे में सिमिलर है ध्यान रहे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग है फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग है साइज भी अलग है सब अलग है किस वे में सेम है फिर कोई कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स का नेचर इनका सेम होता है ठीक है याद रखिएगा तो ये डायगोनल है प्रेजेंट है तो ऐसे टेबल में क्या आ रहा है ऐसे डायगोनल है तो इसका नाम क्या दे दिया गया डायगोनल रिलेशनशिप बस और बताइए 1 to 10 में और बताइए सर सिक्स्थ वाला सिक्स्थ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड है जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा के दिया था ना तो उसने पूरे ज्यादा ज्यादा दे दिया है सिर्फ आउटर मोस्ट नहीं दिया ऑप्शन में S2 D1 to 10 NS ये गलत हो गया जो आउटर मोस्ट NS है जो आउटर मोस्ट सबसे बाद में जो NS लिखा हुआ है वो याद करिए डी ब्लॉक में जब जाते हैं तो क्रोमियम और कॉपर में 4S1 हो जाता था याद है एक्सेप्शन था कई जगह 1 कई जगह 2 1 से 2 वैल्यू ले सकता है ठीक है और 4S2 तो 3D होता था डी क्या हो जाएगा N-1D ये 4S है तो ये 3D होता था याद करिए तो डी कहाँ से कहाँ वैरी होता था क्या बोल रहे हैं रिपीट कीजिए ना आपने अभी क्या बोला थोड़ा अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ यार ये डी ब्लॉक में जब जाते हैं तो एस में 2 होता है वैसे तो मैक्सिमम बट 1 भी है कुछ कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल क्रोमियम एंड कॉपर क्रोमियम कॉपर में 4S1 हो जाता था एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता था एक्सेप्शन टू अबव प्रिंसिपल यस सर यस ठीक है
तो जब ये 4s रहता था, n की वैल्यू 4 है, तो इधर क्या रहता था 3d, याद करिए 4s2 3d6 4s2 3d5, ठीक है। तो एक n है तो यहाँ n माइनस 1, और d में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक। यस भाई, d1 d2 d5 बहुत सारे। सो ये तो हो गया आउटर मोस्ट। अब d के साथ जो ये अगर 3d है तो 3s भी होगा, 3p भी होगा, और ये क्या होगा 4s, ठीक है। तो 3p 3s खाली होगा क्या, कि वो भी पूरा भरा होगा? नो, भरा होगा, भरा होगा। 3s के लिए क्या लिखूंगा, 2 n माइनस 1 s 2, 3p के लिए भी n माइनस 1 p6, देखो। यस सर। तो हम लोग जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में क्लास में लिखाया हूँ, मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट लिखाया था, उसने ऑप्शन में क्या किया, अंदर अंदर वाले भी दे दिया, ठीक है। देख लीजिए, अच्छा भाई कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। हाँ, उसने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि आपको अब ऑप्शन में उसने अंदर अंदर के भी ऑप्शन देने शुरू कर दिए, तो आप कंफ्यूज हो गए। मेरे डीपी मेरे पास हार्ड कॉपी है, लॉग इन पर एक मिनट दीजिएगा। तीस क्वेश्चन का है टोटल, डीपीपी है 4, 5 और है क्या, टोटल 10 डीपीपी, ठीक है। ये पहला वाला में 30 है, बाकी हर में 10-10 है, 10-11-12 ऐसे, ठीक है। ये पहला वाला बहुत इजी है ना, फंडामेंटल इसलिए ज्यादा क्वेश्चन। चलिए और बताइए, 10 तक और बताइए। नो सर, कुछ नहीं हो गया, बहुत ही बेसिक है भाई ये, बहुत इजी है ना। सर, जिन लोगों ने क्लास 10th में भी अच्छे से पढ़ा है वो भी ये डिग्री को 50% सॉल्व कर लेंगे। 11-19 नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। आदर्श, आदर्श आपको अभी तो डीपीपी वगैरह हो गया, असाइनमेंट सब हो रहा है ना? क्या सर, आपको डीपीपी असाइन हो रहा है ना? तो देखा नहीं अभी, अभी मतलब आप क्यों सर, 20 वाला एक बार सॉल्व कर देंगे? हाँ हाँ कर रहा हूँ, मैं आदर्श से बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी देर। आदर्श क्या हो गया, आप क्यों इतना लापरवाह हो रहे हैं? बाकी लोग डीपीपी देख कर सॉल्व भी कर ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं बहुत ही आसानी से, बोल रहे हैं बहुत ही कैजुअल होके कि देखा है नहीं अभी। सर नहीं, कल नहीं देखा, परसों देखा था पर कल नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलती है भाई। आपको, आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग कुछ भी आपको असाइन करें तो मैसेज भेजे हैं? क्या ये आपकी नहीं जिम्मेदारी? और आपको बता दूं मैं, अभी तो जैसे इंस्टीट्यूट जैसे मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, पहले बता दूं मैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आपको, मैसेज भेजना, ये करना, वो करना, कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है,
है ना, इंस्टीट्यूट अगर ओपन रहता ना तो आपको खुद मालूम चल जाता, ठीक है। तो ये ऐसा काम मत करिए भाई, सभी को बोल रहा हूँ मैं, आदर्श को नहीं बोल रहा सिर्फ भाई, आपको जागरूक रहना है। और कितना टाइम लगता है लॉग इन करने में, दिन के सुबह सुबह चेक कर लीजिए, सुबह नहीं तो दोपहर में चेक कर लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह कुछ नया साइन नहीं होगा ना, जो भी स्टाफ हो 10-11-12 बजे तक जो भी है वो वर्क करके साइन कर देता है। ऐसा एक बार 11-12 बजे लॉग इन कर लीजिए और एक बार रात को 8-8:30 बजे, बस पक्के से कुछ नया होगा आपको दिख जाएगा, ये जो मैं दो टाइम बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, नहीं मिले सर डीपीपी, नहीं मिले। और पुराने असाइनमेंट आपको वर्कबुक वगैरह आप बोले थे कि नहीं है, मैंने बोला था आकाश तक कॉल करके आप बोली के साइन करवाए, आपने बात किया क्या? नहीं नहीं, हाँ या ना बोलिए ना, नहीं बात किया ना आपने, ठीक है मैं करूंगा बात। हाँ सर 19 वाला भी समझाओ एक बार, 19 वाला भी नहीं हुआ। The statement that is not true for the long form of the periodic table is not true, बोला है, जो सही नहीं है। It reflects the sequence of filling the electrons in order of sub energy shells SPDF, correct है ये तो? B, it helps to predict the stable valence states of the elements. ना ये सही नहीं है। It reflects trends in physical and chemical properties of the elements. सी वाला ऑप्शन भी 100% सही नहीं है, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है बट वो मेटल के साथ रखा हुआ है, तो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए भाई, 118 में एक ही एक्सेप्शन है। डी, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव आयनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स, सही है। पीरियोडिक टेबल के हेल्प से हम लोग ये नहीं कर सकते प्रिडिक्ट कि कौन सा आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा या कौन सा बॉन्ड में ज्यादा आयनिक करेक्टर है, जितना ज्यादा ईएन का डिफरेंस होगा, हाँ जितना ज्यादा ईएन का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डायपोल स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आयनिक होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन गलत है, क्यों? देखिए अब स्टेबल बैलेंस स्टेट ऑफ द एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से इसलिए नहीं कर सकते प्रिडिक्ट, फॉर एग्जाम्पल आयरन है, मैंगनीज ले लीजिए, तो मैंगनीज जो है वो इसका वैलेंसी 2 से लेके 7 तक वैरी करता है। आयरन का आपने देखा होगा आयरन +2 भी शो करता है +3 भी शो करता है, FeO और ये Fe2O3 ऐसा बनता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्ट टेबल में इसके लिए अलग जगह है इसके लिए अलग जगह, ऐसा है क्या? आइसोटोप वाला जैसा केस था, आइसोटोप के लिए अलग अलग जगह बनाया था क्या? नहीं नहीं, तो वैसे ही अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अलग अलग जगह बनाया गया प्रोटोकॉल, नहीं आयरन तो एक ही जगह है। तो आप आयरन +2 भी शो करता है +3 भी, तो पीरियोडिक टेबल देखकर आप आंसर कर सकते हैं क्या कि स्टेबल कौन सा होगा, +2 ज्यादा स्टेबल होगा कि +3? नहीं कर सकते, नहीं सर, मैंगनीज का +2 ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन बहुत सारे फैक्टर को डिपेंड करेगा, ये तो मैं बता रहा हूँ आपकी, ये 12th वाले भी नहीं कर पाएंगे आंसर अभी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाया अभी, तो बहुत सारे फैक्टर करेगा डिपेंड उनका, एक तो फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी, जो आप भी पढ़ चुके हैं कि कौन सा आयन का हाइड्रेशन ज़्यादा है, जनरली जिस आयन का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा मतलब वाटर में ज़्यादा घुल के होगा तो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है सर। हाँ सर, वो क्वेश्चन में बोल रहा है लॉन्ग फॉर्म, उसका मतलब क्या? अरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म, सबसे लंबा वाला पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट वाला। ओके सर, आपको क्या लगा कि ऐसे वैसे लिखना है? क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट सी इज जो चल रहा है, ये तो नियॉन है, the formula of a substance containing only C is, अरे neon bond form करता है क्या किसी से? नहीं सर, no sir, खुद से bond form करेगा क्या neon? नहीं,
नहीं सर, तो नियॉन ही रह जाएगा, मतलब सी का सी रह जाएगा, वो उस एलिमेंट को सी बोला ना उसने। कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया, 1s2 2s2 2p6 दो चार दस, किसका होता था 10, नियॉन का, नियॉन का। हाँ सर, नियॉन इनर्ट है तो नियॉन किसी से रिएक्ट करेगा नहीं, नियॉन का नियॉन ही रह जाएगा। बस घुमा फिरा के पूछने का तरीका देख लीजिए, है ना। और बताइए 21 to 30, सर 27th में ऑप्शन 15th नहीं है, 15th ग्रुप में आएगा 33। अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली जो है ना, ये क्या कर दिया इसने, मेंडलीव्स के टेबल के फिर अकॉर्डिंग दे दिया है। यस सर, मेंडलीव्स के टेबल में डी ब्लॉक था ही नहीं तो 10 गायब कर दिए। डी ब्लॉक कंसीडर नहीं किया। यस डी ब्लॉक है तो मेंडलीव्स टेबल में डी ब्लॉक था ही नहीं तो 10 गायब कर दीजिए, तो 15 में से 10 गया तो 5 बच गया। ठीक है, तो वो थोड़ा आपको इतना अटेंटिव रहना पड़ेगा कि यार ऑप्शन में नहीं है तो, और ऑप्शन में शिफ्ट दिख रहा है तो उतना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, और बताइए 30 तक में। हो गए सर, सब फिलहाल तो कोई डाउट नहीं है, मतलब इसी डीपीपी में कल तक आपको डाउट आ जाएगा। शायद एक बार 22 कर दीजिए। 22, अच्छा क्रिस क्रॉस फॉर्मूला है भाई, 9th में पढ़ा है ना आपने, वैलेंसी निकाल लो, क्रिस क्रॉस फॉर्मूला बता दो, ऐसा बना दो। 22 बोले हो ना? यस सर। एक ए एलिमेंट है, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 10, 12। ए क्या है, मैग्नीशियम है। सबसे पहले ये आपको पहचानना पड़ेगा। और बी क्या है, 2, 4, 9 फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस। मतलब ए बी के टर्म में क्या बन जाएगा, ये ए था ये बी था। हाँ सर, हाँ सर, ये खत्म, सिंपल। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए ठीक है, तो ये आपका डीपीपी 1 हो गया। डीपीपी 2 में 12 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, बहुत इजी है। डीपीपी 3 में 10 क्वेश्चन है, ये दोनों डीपीपी आपको आज हो जाएगा सर। ठीक है, तो आज रात तक हो जाएगा साइन, तो ये आप ये सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, रोज चेक करते जाइए डीपीपी, जैसे जैसे आते जा रहा है सॉल्व करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस ही और आपका। चलिए, सो मोल कंसेप्ट में अब आगे, आप अगर इंस्टीट्यूट में रहते, मतलब इंस्टीट्यूट खुला रहता तो आपको ऐसा हार्ड कॉपी मिलता, ऐसा ऐसी डीपीपी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी डीपीपी 1, है ना, तो ऐसे फिर आप उसी में कर सकते थे, मिल जाएगा। अब अपन जब भी ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे तो मिलेगा, सारा सारा मटेरियल आपको मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगा। ठीक है, तो द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मोल कंसेप्ट इज हेडिंग दीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट लिखिए, इन केस देयर इज टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, in case there is two or more than two reactants
comma, then limiting reagent should be calculated. Then limiting reagents should two be two or more than two ke baad. Sir, two or more than two in case there is two or more than two reactants comma, then limiting reagent should be calculated. ठीक है, ये जो लिखा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कब करना अपने। अब पढ़ना होता क्या है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, लिमिटिंग रिएजेंट इज वन विच इज प्रेजेंट इन less amount than the required. A limiting reagent is one which is present in less amount than the required. जितना जरूरत है उससे कम अगर है कोई अगर ऑप्शन उसको लिमिटिंग बोल देते हैं। ठीक है, एक और इसे डेफिनेशन लिखिए, लिमिटिंग रिएजेंट इज क्या डेफिनेशन और में लिखे ना, हाँ और करके लिखिए एक और, लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट इन विच मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू इज मिनिमम in which, फिर से बोल रहा हूँ, limiting reagent is that reactant in which mole upon stoichiometric coefficient, ये एक value calculate करेंगे अपन, बताऊंगा अभी, value is minimum, full stop. आगे लिखिएगा, limiting reagent will be completely exhaust, या completely consumed लिख लीजिएगा, limiting reagent will be completely consumed. ठीक है, देखिए समझिएगा कंसेप्ट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट पहले किसको बोला गया, पहले तो ये समझ लेते बोला किसको, मैंने जो लिखा है पहले बताता हूँ, ये वाला डेफिनेशन जो, ये तो अपन जब मैं कंसेप्ट करूंगा एक्सप्लेन रिएक्शन कर लेके एग्जांपल तब बताऊंगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ओवरऑल कंसेप्ट क्या है लिमिटिंग रिएजेंट का, तो कंसेप्ट ये है कि दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन होते 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 बी पहले खत्म हो गया, ए अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो जो पहले खत्म हो गया वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, सिंपल। यस सर, क्या ए और बी दो कंपोनेंट थे, दोनों को पूरा रिएक्ट होना था, पूरा मतलब ये भी खत्म होना था, पूरा ये भी खत्म होना था, रिएक्ट होना मतलब खत्म हो कुछ तो नया बनेगा, तो ए और बी आपस में रिएक्ट होना था, तो ए और बी रिएक्ट होते होते क्या हुआ, बी पूरा खत्म हो गया पहले ही, ए थोड़ा सा बच गया दीदी, तो बी को मैं क्या बोल दूंगा, लिमिटिंग है, इसकी वजह से मेरा रिएक्शन रुक गया। ठीक है, अब समझ में आ गया कंसेप्ट। हाँ, अब इसका एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल लेता मैं, तो समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए आपका एक दोस्त है और आप है, ठीक है, आपके दो दोस्त हैं, आप लोगों ने एक पहले रूल बनाया,
कि हम दोनों इक्वल रेशियो में पैसा खर्चा करेंगे, मतलब 1:1 रेशियो में, ठीक है? कोई दोस्त okay. है, मान लेता हूँ मैं एक कल्पेश है, ठीक है, और एक आदित्य है, अरे हाँ ठीक है, आदित्य हो गया था, तो इन्होंने पहले रूल बनाया, रूल क्या बनाया, अच्छा तो रूल वन ये है, तो रूल क्या था, रूल ये था कि दोनों भाई बोले कि नहीं भाई 1:1 रेशियो में ही पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, 1:1 रेशियो में ही पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, yes. तो yes. इसके पास जो है ₹20, इसके पास भी ₹20, बताइए लिमिटिंग कौन है, कोई है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है सर, कोई नहीं है, नहीं है, जिस टाइम पे इसका पैसा पूरा खत्म होगा उसी टाइम पे उसका भी खत्म हो जाएगा, यस, देख लीजिए, हाँ सही है, चलिए तो ये तो क्लियर हो गया। अब जैसे ही तो अभी यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग नहीं है, नो लिमिटिंग रिएजेंट। अब जैसे इसको 30 कर दिया और इसको 20, अब है सर, है लिमिटिंग है, कौन है, आदित्य, आदित्य इसमें जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, भाई पैसा खर्चा करते करते ये आउट ऑफ मनी हो जाएगा, बोलेगा बस भाई, या फिर जैसे मान लो जुआई खेल रहे दोनों पत्ते खेल रहे हो, है ना, तो yes. पत्ते खेलते खेलते जैसे पैसे लगाते हैं ना इसमें, ये फ्लश जो खेलते हैं जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तीन पत्ती, आप लोगों को भाई ये सब थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये 11th का मैथ का लास्ट चैप्टर क्या पता है ना, प्रोबेबिलिटी है, उसमें पूरा yes. सारे आपके ऐसे पत्ते खुल जाएंगे, तो उसमें आना चाहिए आपको, स्पेड क्लब हार्ट डायमंड तो भाई अब दोनों को पैसे लगाने थे, तीन पत्ती खेले होंगे अगर कोई कभी ऐसे, मतलब घर में देखा होगा कभी खेलते हुए, तो तीन पत्ती में क्या होता है, तीन पत्ती बांट देते हैं, पत्ती क्लोज होता है, तो भाई इसमें लगाते पैसे गैस पे, मेरे पास ज्यादा होगा तो मैं पैसे लगा, तो इसने 10 लगाया, उसने 10 लगाया, फिर इसने 10 लगाया, एक और 40 चली, उसने 10 लगाया, फिर इसने धीरे से बोला मेरे पास 1-10 और है, बोला बस कर भाई माफ कर मेरे पैसे खत्म, तो ये बस लिमिटिंग हो गया, इसने सरेंडर कर दिया, बोला अभी शो मतलब दिखाओ पत्ते दिखाओ, इसने पत्ते खोल लिए, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब समझिएगा, अब मैं रूल ही चेंज करता, मैं अब रूल ही चेंज हो गया, अब रूल हो गया टू इज टू वन, कल्पेश और आदित्य में डील हुआ कि आदित्य ने बोला कि मैं ₹1, मान लो कल्पेश ने कोई गलती करी है और वो गलती आदित्य को मालूम चल गया है, अब आदित्य जो है कल्पेश को ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई देख तेरा अगर राज को राज रखना है तो मैं अगर ₹1 खर्चा करूंगा तो तू ₹2 खर्चा करेगा, yes. तो बात बनेगी, ठीक है, तो ये रूल सेटअप हुआ, पहले तो रूल सेटअप करना पड़ेगा, अमाउंट तब उसके बाद सोचेंगे, तो पहला वाला अमाउंट लेता हूँ मैं, क्या बोल रहे सर, आदित्य को 15 कर दीजिए, 15 नहीं रुक जाओ एक मिनट, इसी में अपन देखते हैं ना, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल लेता हूँ, उससे ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। अब कल्पेश के पास ₹20, आदित्य के पास भी ₹20, अमाउंट सेम है, बताइए कोई लिमिटिंग है, कल्पेश रहेगा, यस सर, कल्पेश रहेगा, यस सर, कौन रहेगा लिमिटिंग, यस सर, कल्पेश, कल्पेश रहेगा, ये जब तक ₹10 खर्चा किया होगा आदित्य ने तब तक इसने Yes. है ना, तो इसके बाद 10 रुपए यहाँ बच जाएंगे, तो इसके पहले पैसे
देख लीजिए यहाँ पे कौन है यहाँ पे लिमिटिंग, यहाँ पे कल्पेश। इस केस में सेकंड आपके एग्जांपल में तो कल्पेश ही रहेगा। अभी भी कौन रहेगा? कल्पेश। देख लो, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या सिर्फ अमाउंट देख कर बोल सकते हैं क्या? नो सर, रूल देख के बोलना पड़ेगा। रूल और अमाउंट दोनों देख, रूल अमाउंट दोनों इम्पोर्टेंट क्या है? रूल, रूल फंडामेंटल क्या है? रूल है। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए यही समझाने में मेरे को बहुत ज्यादा जाता है एफर्ट। कई लोगों को समझता ही नहीं है कि क्वांटिटी ज्यादा है फिर भी सर कैसे लिमिटिंग हो जाएगा सर, वो क्वांटिटी ज्यादा है उसका। अरे भाई उसने रूल ही ऐसा सेटअप कर रखा है। अभी रूल एक्चुअल में क्या रिएक्शन के लिए, जो रूल है 1:2, 1:1, ये रिएक्शन के टर्म्स में आऊंगा तो क्या है ये बेसिकली? तो दो एलिमेंट्स जिस रेशियो में कंबाइन होंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कोई रिएक्शन होता है 1:1, Na प्लस Cl, यस NaCl। रेशियो क्या है? एक Na, एक Cl। यस। ठीक है। दूसरे कोई से अभी यहाँ लिखा था एग्जांपल, शायद पार्थो ने पूछा था MgF2 का। MgF2। यस। तो वहाँ रूल क्या था? 1:2। एक एक Mg जाएगा तो दो फ्लोरिन। तो वो जो रूल की बात हो रहा है वो बेसिकली क्या है? वो उनके रेशियो है और इसी नंबर से क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये नंबर का नोन है जो लिखा था ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब किसी सब्सटेंस के जो आगे नंबर रहता है बैलेंस करने के बाद, जो नंबर आता है ना, आपने सीखा ना बैलेंसिंग टेंस में, बैलेंस करने के बाद जो नंबर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं। N2 यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या होगा? वन है। ठीक है, कुछ लिखा था वन, वन N2 CH2 कंबाइंस टू गेट NH3। क्या है? अमोनिया। पढ़ा था हम लोगों ने, फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है, अमोनिया। ठीक है, अब देखिए अब इसको इसमें मोल कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ वन में लिखे था, ये जो नंबर्स हैं 1, 3, 2, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली? इसे क्या बोल रहा हूँ मैं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तीनों ही 1B, 3B, 2B। चलिए ये तो क्लियर है। अब देखिए N2 एक मॉलिक्यूल है, जैसे लिख सकता हूँ कि वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 टू गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। देख लीजिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ सर, ठीक है, ऐसा मत कर दीजिएगा। अच्छा 3, 2, 6, सर 6 क्यों नहीं दिख रहे हैं? मैं H2 की बात कर रहा हूँ, H2 एक मॉलिक्यूल है। ऐसे H2 कितने हैं? 3। तीन, यस। चलिए अब ये मॉलिक्यूल है, अब मैं अगर दोनों साइड Na मल्टीप्लाई कर दूँ किसी इक्वेशन के, दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। Na याद है अवोगाड्रो नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na मॉलिक्यूल 1 × Na, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 Na, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 Na, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। ठीक है, अच्छा एक Na मॉलिक्यूल में कितने मोल किया था? Na नंबर कुछ भी हो, एटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी, Na नंबर में मोल कितना होता था? 1। एक मोल क्या लिख दूंगा? 3 मोल। और इसमें 2 मोल। देख लो इसका मतलब जो कोफिशियंट है, जो कोफिशियंट है उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल लिख सकता हूँ। देख लो डायरेक्ट, मतलब अब मैं बार बार ये नहीं करूंगा हर ऐसा क्वेश्चन में, ये पहली बार कर रहा हूँ और आखिरी बार समझाने के लिए आपको कि कल अगर मैं सीधे लिखता ये जो 1 है तो 1 मोल मान लेते हैं, ऐसे बोल सकता था 1 है तो 1 मोल। नंबर मानना है ना भाई आप 1 द, क्योंकि देखिए अच्छा मैं आता हूँ एक एक करके। तो 1 मॉलिक्यूल से मोल कैसा आ गया देख लीजिए। तो अब मैं अगली बार से डायरेक्ट जो कोएफिशिएंट है उसको सीधे 1 मोल लिख दूंगा,
जो कॉफिशियंट रहेगा सीधे 3 मोल लिख दूंगा, ठीक है? हाँ सर। यहाँ जो रहेगा उसको सीधे 2 मोल लिख दूंगा, ठीक है? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुझे बताइए क्या ये 1 मोल 3 मोल 2 मोल ये एक्चुअल मोल है या ये रूल है? रूल रूल है। हाँ ठीक है, बाकी लोगों ने फिर से बोला क्वेश्चन, ये जो 1 3 2 आया है ये एक्चुअल में सच में 2 रुपया और 1 2 रुपीज और 1 रुपीज है या ये रूल है? पहले रूल है कि भाई एंटू बोल रहा है कि जब मैं 1 रुपया खर्चा करूंगा तो तेरे को 3 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, ये रूल सेट किया इन्होंने। एक्चुअल क्वांटिटी है क्या? नहीं एक्चुअल कुछ नहीं, ठीक है। एक्चुअल तो भाई आप ऐसा वेसल लीजिए उसमें जितना N2H2 भरेंगे तो अपने हाथ में ना एक्चुअल लेना, आप एक्चुअल कुछ भी लीजिए 10 20 50 100 कुछ भी लीजिए, ये रूल इनका चेंज होगा क्या? नहीं सर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो ये वैसा ही है कि टीचर कुछ भी बोल दे बच्चा चलेगा अपने हिसाब से, वैसे ये है। आप क्वांटिटी कितना भी रख लीजिए इसका, वो रिएक्ट करेगा अपने रूल के हिसाब से, ठीक है? क्लियर है ये चीज? यस सर। आप इसका अगर 1:3 की जगह आप बोलेंगे अच्छा देखता हूँ इसका मर्जी, आप बोलेंगे देखता हूँ कैसे 1:3 कैसे रिएक्ट करता है, मैं इसको ले लूंगा 1:5, मैं 1:5 रिएक्ट करवाऊंगा, भर दूंगा एक ही वेसल में सब, इसको 5 गुना भर दूंगा, देखता हूँ कैसे रिएक्ट करता है। नहीं करेगा रिएक्ट? हाँ सर नहीं करेगा, ठीक है। आप क्वांटिटी अपनी मर्जी से कम ज्यादा ले सकते हैं बट वो रिएक्ट उसी रेशियो में करेगा, क्लियर है? ये रूल है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं एक्चुअल में, ये तो रूल हो गया, अब एक्चुअल क्वांटिटी इसको रब कर दो ना, ये वाला जूलियस एग्जांपल, ठीक है। अब एक्चुअल में मान लीजिए मैंने लिया इसके 3 मोल और इसके 12 मोल, ये असली में वेसल में मैंने N2 के 3 मोल भरे और H2 के 12 मोल भर दिए, बंद कर दिया वेसल और हीट के लिए हीट पे लगा दिया। अच्छा इसका टेम्परेचर वगैरह 700 केल्विन होता है, पी ब्लॉक में है सर, और प्रेशर 200 ATM होता है, बहुत ज़्यादा होता है, रीजन पढ़ेंगे आप लोग तो याद है। तो टेम्परेचर मैंने 700 केल्विन और ये सब कंडीशन चेक कर लिया, बताइए ये 3 मोल या 12 मोल, आपको बताने लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कोई है? 3 मोल लिमिटिंग एजेंट है। 3 मोल यस सर। 3 मोल नहीं बोलते, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी लिमिटिंग एजेंट, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। N2 जैसे वहाँ आप कल्पेश और अजित का नाम ले रहे थे वैसे भी वहाँ पे यहाँ पे सब्सटेंस नाम है। यस सर नाइट्रोजन। तो अगर ये 3 मोल लिया ये 12 मोल लिया तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? N2 है, नाइट्रोजन। दिख रहा है N2। कैसे देखिए 1 मोल के लिए कितना रिएक्ट करेगा? 3। तो 3 के लिए कितना करेगा? 9। तो ये 3 पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो ये 9 ही करेगा, तो अभी भी कितना बच जाएगा? 3 बच गया। तो ये फाइनली जो है फाइनल लास्ट में जो है बच जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। यस सर। कोई बोलेगा सर आपने 1:3 क्यों सोचा? मैं उल्टा सोचूंगा 3:1, वैसे भी सोच लो 3 के लिए कितना करेगा? 1 12 के लिए कितना करेगा? 1/3 4 करता है ना, सोचिए जब 3 है तो 1 है, 12 है तो 4। बट 4 है क्या सच में? नहीं है सर। नो सर। तो क्या हो गया? तो इसका पहला डेफिनेशन कि रिक्वायर्ड कितना था रेशियो में करने के लिए? 4 मोल, बट है कितना? 3। तो लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, ये पहले बता दे रहा हूँ, पूरे चैप्टर का फंडामेंटल है। कई लोग लगे अरे सर ने क्या बता दिया इतना टफ हो गया, तो कुछ भी टफ नहीं है। मैंने बताया था ना यूनिटरी मेथड लगेगा, है ना? 5 रुपए में ये काम तो 10 रुपए में कितने मिल जाएंगे आपको? 2। वही चीज है, देख लीजिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सर आपने अभी वो मतलब वो जो बोले ना 3:1 वो वाला नहीं समझा सर, अभी वाला एग्जांपल नहीं समझा, ऐसे नहीं समझा उल्टे वाला। हां सर भाई वही एग्जांपल है, कल्पेश और आदित्य वाला ले लीजिए। प्रॉब्लम यही होता है एक्चुअली में, मैं ऐसा इन जनरल बोल रहा हूँ,
कि जब हम कोई चीज रियल लाइफ एग्जांपल जोड़ते हैं जो आपने देखा है जो आपने किया आप तक लाइफ में वो समझ जाता है और ये आपकी गलती नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी गलती नहीं, ये जनरल है भाई किसी के लिए, मेरे लिए। हाँ सर, वो तो सब बट वही कंसेप्ट जब रिएक्शन पे या कहीं पे ऐसा लगता है जो आपने कभी देखा नहीं होते हुए, कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, तीन मोल जब रिएक्ट करेगा तो कितना करेगा, एक। तो बारह जब रिएक्ट करेगा तो बारह बाई तीन फोर, फोर होना चाहिए था रिएक्ट, तभी तो इक्वल रेशियो में करेगा। बट फोर है क्या एक्चुअल में, फोर है क्या नहीं, तो फोर होना चाहिए था, है कितना तीन। ठीक, तो यही तो लिमिटिंग का था डेफिनेशन, पढ़िए ना जो पहला लाइन है डेफिनेशन। A limiting reagent is one which is present in less amount than the required. Than the required, yes sir. Required मतलब क्या? उस रेशियो में required. हाँ सर, चार होना चाहिए था पर तीन ही है। हाँ, clear. Yes, समझ गया। ठीक है, चल। तो ये हो गया अब। तो अब final reaction होने के बाद, अच्छा ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ अब, stoichiometry coefficient upon सॉरी क्या था वो फॉर्मूला, मोल अपॉन तो वो निकालता हूँ ना। देखिए ये ऐसे ही समझ जाता है कौन आपका लिमिटिंग है, फिर भी किसी को नहीं समझता है मान लीजिए, तो फिर ये निकालना पड़ता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके मोल क्या है, सॉरी मोल क्या है, थ्री मोल मतलब एक्चुअल, अब बात चल रही है एक्चुअल मोल क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, वन। एक्चुअल मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन, थ्री आएगा ये। इसके मोल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, थ्री। थ्री ये कितना आ जाएगा, इसमें ये कहा गया कि जिसका ये वैल्यू कम आएगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ सर, देख लीजिए बस एक मतलब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रूल बनाया और कुछ नहीं। बताइए मुझे ये कोई फॉर्मूला है क्या, ये कोई फॉर्मूला है क्या, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप जो अभी सोच रहे थे ना इसे 3:1 वही बस रूल बना दिया है, फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है, तो लिमिटिंग कौन आया, ऐसे मार्क कर लीजिएगा लिमिटिंग रिएजेंट एल आर एन टू। सेकेंड डेफिनेशन पढ़ लीजिए, सेकेंड डेफिनेशन क्या लिखा था, लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट होगा इन विच मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू इज मिनिमम। अच्छा, इसकी जरूरत कब पड़ती है, आप बोलेंगे सर ये तो ऐसे ही हो रहा है, ओरली हो रहा था लिमिटिंग, ये आप क्यों बता रहे हैं हमें, कंफ्यूज कर रहे हैं। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब तीन से चार रिएक्टेंट होंगे एक साथ, तब आपको, तब आप फंस जाएंगे कि अरे किसके साथ रेशियो लूं, एक से तीन, इधर तीन से दो, पता ही नहीं चल रहा है। तो आप सिंपल रहेगा कि एक्चुअल मोल और उसके स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से ऐसे तीनों चारों वैल्यू निकाल लीजिए, सबके लिए सभी रिएक्टेंट से निकाल लीजिए, जो सबसे कम आएगा वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। यस, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें आगे तो ये जो एक्चुअल लिया था, एक्चुअल मोल ये इनिशियल है ना, मैंने लिया है वो शुरुआत में, ठीक है। फाइनली रिएक्ट होने के बाद कितना बचेगा, कौन रिएक्ट हो गया, अब रिएक्शन एन टू एच टू आपस में रिएक्ट कर गए, लिमिटिंग रिएजेंट कुछ बचेगा क्या, नहीं भाई, लिमिटिंग ही वही था जो पहले खत्म होगा, तो ये तीन के तीन रिएक्ट कर जाएगा और क्या बचेगा, जीरो 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 मोल। ये कितना बचेगा, थ्री मोल, चार, थ्री 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 मोल, थ्री सर थ्री। ये वाला भूल जाइएगा, अगर ये देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका सिर्फ काम क्या था, लिमिटिंग निकालना। हाँ, ये जो, ये जो निकाला था लिमिटिंग, इसका काम था लिमिटिंग निकालना, इसको भूल जाएगा ना, इससे कई लोग कंफ्यूज होते हैं इस वजह से। कितने मोल थे, बारह, तो एक के लिए तीन, तो तीन के लिए नौ, नौ राइट, नौ, बारह छह और बारह में से नौ रिएक्ट हो गए, कितना बचा, तीन बज गया सर, 12-9। यस क्लियर है, ठीक है। देखिए ये हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड की कहानी पूरा, ठीक है।
अब बात करते हैं, अब कोई पूछ दे नहीं मुझे लेफ्ट हैंड साइड नहीं, अमोनिया बताओ कितना बना होगा, कितना बना होगा अमोनिया, ये भी रूल के हिसाब से चलेगा। बट किससे जाऊं, 1:2 सोचूं या 3:2, दोनों से आंसर आना चाहिए। बट दोनों से आंसर तभी आएगा जब वो रूल फॉलो करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो वो रूल फॉलो कर, मतलब रूल फॉलो तो कर ही रहा बेसिकली। मतलब अब आपको सोचना है कि दुकानदार के पास गए थे अपन, जैसे कल्पेश के पास, मान लीजिए 1:1 रूल फॉलो कर रहा है कल्पेश और आदित्य, 1:1 रूल फॉलो कर रहा है, कल्पेश के पास 30 रुपीज था, आदित्य के पास 20 रुपीज था मान लो, तो दुकानदार को तभी तक पैसे देने अपने को जब तक दोनों पैसे दे रहे हो। रूल था भाई तू देगा तो मैं भी पैसे दूंगा, तो कल्पेश के पास 30 रुपीज था, आदित्य के पास 20 रुपीज था, तो बताइए दुकानदार को ये लोग फाइनली कितने रुपए देंगे? 40 रुपीज देगा है ना। जैसे ही आदित्य के पास पैसा खत्म होगा कल्पेश रुक जाएगा, क्योंकि साथ ही पैसा देना था ना, मिला के पैसा देना था, 10 तू दे 10 मैं देता 5 तू दे। ठीक है, तो वैसे कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि दुकानदार जो पैसे दे रहे हैं हम लोग कुछ लेने के सामान, वो कल्पेश पे डिपेंड कर रहे हैं हम लोग या फिर आदित्य पे डिपेंड कर रहे हैं? आदित्य आदित्य कल्पेश के पास ज्यादा पैसे थे फिर भी वो नहीं दे पाया, क्योंकि मतलब किस पे डिपेंड कर रहे हैं हम लोग? आदित्य पे। मतलब आदित्य क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब उतना ही पैसा दुकानदार को जाएगा जितना लिमिटिंग रिएजेंट के पास होगा, उसके बाद जाना बंद हो जाएगा। इसका मतलब उतना ही बनेगा प्रोडक्ट। यस सर, जितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हमेशा याद रखेगा कि जब भी बनाना हो प्रोडक्ट तो आप लिमिटिंग रिएजेंट से बनाएगा, बाकियों से मत बनाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जब तक रिएक्ट होगा तब तक रिएक्शन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म रिएक्शन रुक जाएगा। यस सर, हो गया तो रिएक्शन रुक गया, तो एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी आगे जाएगा क्या वो? नो सर, नहीं सर। ठीक है, तो बना लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट से। एक से कितना बन रहा है? दो। दो तीन से कितना? टोटल फाइनल मोल इन दिस सिस्टम, इस बॉक्स के अंदर टोटल मोल्स कितने हैं? तो जो बचे हैं जो रिएक्ट नहीं किया है और जो टोटल है? 6 मोल्स सर। ना 6 नहीं, फाइनल फाइनल मोल इन दिस सिस्टम। सिस्टम मतलब उस बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स के अंदर H2 जो रिएक्ट नहीं करेगा उसको बाहर जाएगा, रिएक्ट नहीं किया तो नहीं ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द मोल ऑफ NH3 जो फॉर्म हुआ, तो आंसर 6 करेंगे। राइट सर। ठीक है, अगर पूछ दे कि कितने मोल बने NH3 तो 6, पूछे कितने मोल H2 बचे तो 3, टोटल कितने हैं तो 9, 0, 3, 6। देख लीजिए। अब क्वेश्चन एक और पूछता हूँ मैं आप लोग से। हाँ, अगर वेट पूछ दे तो, कि अगर पूछ दे कि H2 के कितने ग्राम बच गए, तो वो फॉर्मूला से निकाल लो n n = given mass upon molar mass, उससे निकल जाएगा फिर। तो मोल पता है तो मास निकाल लीजिए, 1 मोल में 2 ग्राम होता है H2 का, 3 मोल में 6 ग्राम। यस सर। ठीक है, अच्छा वो समझ में आ गया ना कि आप वेट वेट नहीं लिखना कहीं भी, आप मोल निकाल लीजिए बाद में वेट निकाल लीजिएगा लास्ट में। अब N2 का वेट कितना होता है? 28, H2 का 2, NH3 का 17। मैं वेट के टर्म में किया क्या पूरा ये? नो, नहीं सर। ध्यान रखिएगा, वेट को लेकर रूल नहीं है। नहीं है वेट को लेकर रूल है क्या? रूल किसके रिस्पेक्ट में? मोल के रिस्पेक्ट में। मोल 1, 3। तो ये मोल फॉलो करता है। अच्छा आप बोलेंगे सर क्या सिर्फ मोल फॉलो करता है रूल? तो नहीं, वॉल्यूम भी फॉलो करता है, प्रेशर फॉलो करता है।
आगे बताऊंगा आपको इडियोमेट्रिक में, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक इडियोमेट्रिक बताऊंगा। तो मोल फॉलो करेगा ऐसे रूल, वॉल्यूम भी फॉलो करता है, वन वॉल्यूम, थ्री वॉल्यूम, टू वॉल्यूम, प्रेशर भी फॉलो करता है, वेट कभी फॉलो नहीं करता। ठीक है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। आपको अगर क्वेश्चन में वेट पूछा है तो आप वेट मत लिख दीजिए, आप मोल लिखिए, मोल से मोल निकालिए और मोल से लास्ट में वेट निकाल लीजिएगा, बिल्कुल लास्ट। ठीक है, और मान लीजिए मोल नहीं दिया था, वेट दिया था, तो आप बोलेंगे सर वेट दिया था तो मैं तो वेट ही रखूंगा यहाँ पे। नहीं भाई, वेट दिया है तो चेंज नेट वेरिएबल करना पड़ेगा, मोल बदलेंगे। मान लो वेट दिया है और वेट पूछा है, मतलब वेट से मोल में, फिर मोल से वेट में। हाँ, तो वेट दिया है, वेट पूछा है, तो वेट से मोल में करिए, फिर मोल से मोल निकालिए, फिर मोल से वेट करिए। यस, इसका मतलब आपको मोल में ही सॉल्व करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम मोल कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए, ये भाई ओवरऑल कंसेप्ट था, बहुत इजी है, सिंपल है। सर एक बार वो सिक्स मोल कैसे हैं थोड़ा समझाने के क्या? अच्छा, समझाने ये समझा था क्या कि रिएक्शन तभी तक होगा जब तक लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। यस, मतलब जो भी NH3 बनेगा कब तक बनेगा, किस पे करेगा डिपेंड, आपके लिमिटिंग रिएजेंट पे। यस, ये तो समझा रहा है ना। Yes, तो, yes, तो लिमिटिंग रिएजेंट से बनाऊंगा प्रोडक्ट, हमेशा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, हम लोग हमेशा प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट से ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा, वो पहले खत्म हो रहा है। तो वन से कितना बन रहा था, रूल पे जाइए, सबसे पहले रूल पे जाते हैं। रूल क्या था, ये एक खर्च होगा तो कितना बनेगा, दो। तो था कितना एक्चुअल, एक्चुअल कितना था, तीन। तो एक से दो, तो तीन से छह। यस, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे मतलब कौन से चीज पर अटकते हैं, मतलब आपने बोला ना कि बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है, तो किस टॉपिक पर अटकते हैं इसमें? चलिए क्वेश्चन करिए ना, खुद ही समझ में आ जाएगा, हो सकता है आप ना अटके, बट जो मेरा रहा एक्सपीरियंस। ठीक है सर, सर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो होगा ही कुछ, तो वो क्या है जो लोग? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है। आप कई लोग फंस जाते हैं वेट निकालने में, कई लोग क्या फर्स्ट में बताऊं, आप पूछे चलिए बताता हूं मैं। कई लोग क्या करते हैं ना, इसको जो है ना, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, ये टू लगाओ ना यहाँ पीछे, तो उसको भी मोल में ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर एक और गलती कर देते लोग, बता रहा हूं मैं। मुझे याद नहीं आ रहा, एक गलती ये करते थे कि जैसे वेट दिया रहता था ना, तो वेट से जब मोलर मास निकालते थे ना, वेट से जब मोलर मास निकालते थे, हाँ देखिए देखिए याद आ गया, याद आ गया। मान लीजिए एच टू का 10 ग्राम दिया था, ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे क्या रखना था, मोल। तो लोग जब मोल निकालने जाते हैं तो ऐसे कर देते हैं, 10 ग्राम अपॉन मोलर मास क्या है, एक एच टू का 2, तो 3 एच टू का 6। आपको 2 ही लेना है भाई, जो उसका एक मॉलिक्यूल का मास है। राइट, ये गलती करते लोग, ये वाला गलती बहुत ज्यादा करते जो भी जस्ट। सर हाँ, वो 1 मोल से 3 मोल कैसे गया, नहीं समझा मुझे। कौन 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 गया 1 से 3? वो इनिशियल एक्चुअली ऐसा लिखा है ना, वो 1 मोल। अच्छा, इनिशियल एक्चुअल जो 1 से 3 करते हैं। हां हां, ये तो समझा ना, ये तो रूल है 1 3 2। हां वो समझा, ये मैंने लिया, मेरी मर्जी। ओके, आपकी मर्जी, आप 10 लीजिए, 12 लीजिए, पैसे हैं ज्यादा तो और लीजिए। अच्छा वो एक्चुअल तो आपकी मर्जी ना, आप वेसल में कितना भर सकते हैं, कितना आप ले रहे हैं, आपकी मर्जी है। वो तो मैंने जस्ट रैंडम वैल्यू लिया हुआ है 3 और 12 समझाने के लिए। ठीक है सर, आपने ऐसा कौन सा एलिमेंट देखा है जो मतलब सबसे महंगा है, आपने देखा है सबसे महंगा देखा है?
कार्बन ही है डायमंड डायमंड जो देखा है प्लैटिनम से भी महंगा है डायमंड बहुत महंगा है प्लैटिनम तो फिर भी क्या बोल रहे हैं पोटेशियम लीगल है क्या क्या लीगल है पोटेशियम पोटेशियम लीगल है मतलब उसको क्या पता क्या कानून है वो नहीं वो कहना चाहता है कि कोई भी खरीद सकता है क्या नहीं 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 जिनके पास लाइसेंस होता है वही खरीद पोटेशियम नहीं रिएक्टिव मेटल से आ रहा है आपको ऐसे मिलेगा ही नहीं खरीद जाओगे तो कहाँ खरीदोगे कहाँ पे भाजी मार्केट में भैया एक पाव देना पोटेशियम नहीं मिलेगा ही नहीं तुमको मैंने एक्चुअली कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं ऑफिस में H2SO4 से लेके HCl से लेके H2O2 KMnO4 K2CR27 Na2CO3 10-12 केमिकल रखे हुए मैंने ठीक है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी रखा हुआ है मैं कुछ टाइट्रेशन के रिएक्शन क्लास में करता हूँ मैं ठीक है लाइव वो कलर चेंज होता है पूरा वो ब्यूरेट रहता है पाइप रहती लंबी सी उसमें से ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐसे गिरता रहता है देखा होगा आपने लैब में टेंट नहीं कैसे ब्यूरेट लंबी सी पाइप रहेगी उसके नीचे वेसल रख देते हैं और ड्रॉप वाइज गिराते जाते हैं वो धीरे धीरे करके निकालते हैं उसका फिर कलर धीरे धीरे चेंज होता है कलर चेंज हो जाता है तो वो एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं है 11th में सैचुरेशन दरअसल फेनोक्सिलिन यूज करते हैं ना फेनोक्सिलिन इंडिकेटर होता है मेथिल ऑरेंज ये सब सब है मेरे पास ऑफिस में ठीक है तो क्वेश्चन लिखिए सर 2 मिनट रुक सकते हो आप यार टाइम हो गया यार हाँ ठीक है लिख लीजिए तो कल हाँ जल्दी लिखिए बस ये लिख लो इसी बेस पर क्वेश्चन दूंगा अटेंडेंस हो रहा है V90 में क्वारंटाइन लोगों का वो माइक में लगा के अटेंडेंस ले तो यहाँ तक आवाज आती है आपको आ रहा है क्या आप लोग को हाँ लिखिए क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में बताएगा ठीक है देखिए यही आपका क्या बोल रहे हैं आपने कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग किया V90 से अच्छा सर एमटेक की बीटेक नहीं बीटेक किया है एमटेक भी हो गया था किया नहीं एमटेक मेरा बीटेक के बाद डाला था तो गेट दिया था तो आईटी खड़गपुर गुवाहाटी और आईटी BHU 3 जगह से आया था ऑफर आया था गया नहीं फिर अभी कुछ साल पहले फिर से ऐसे दे दिया था गेट का एग्जाम ऐसे ही चेक करने के लिए मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है तो फिर से गेट क्वालिफाई हो गया और ऐसे ही मन में हुआ था कि यार एमटेक कर लेते हैं मतलब नागपुर में ही है V90 कॉलेज भी है बगल में और सारे सर लोग जानते भी हैं कर लेता तो गेट का फॉर्म भर दिया पढ़ा कुछ नहीं एग्जाम भी दिया है अभी मैं बता रहा हूँ 2019 में शायद हाँ हाँ एक ही साल पहले पिछले साल गेट का एग्जाम दे दिया क्वालिफाई भी कर गया पास हो गया मतलब क्वालिफाई मतलब टॉप तो नहीं किया कुछ भी नहीं पढ़ गया था कुछ भी नहीं तो 100 में से मेरे कुछ मार्क्स बताता मैं आपको मैं नहीं मार्क्स पाऊंगा 38 या 39 के जैसे मार्क्स थे ठीक है और क्वालिफाइंग रहता है 31-32 मार्क्स ऐसे था कट ऑफ था बिना पढ़े भाई 38 मार्क्स ले आए ठीक है तो जितना भी याद था मुझे अभी जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो थर्मोडायनेमिक्स है ये सब चीज़ें वो सब वही सेम है ठीक है मतलब मेरे को जब मैं पेपर दे रहा था ना तो इंजीनियरिंग के जस्ट बाद जो मैंने पेपर दिया था उससे अच्छा समझ में आ रहा था मेरे को पेपर देने में मतलब अच्छी मतलब
अच्छे लेवल पे मेरे कंसेप्ट क्लियर थे आज की डेट में जब मैंने दिया एग्जाम को, ठीक है। तो पेपर दिया, हो भी गया, काउंसलिंग दिया, और इस बार आईआईटी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, सीधे मैंने ये डाला था, यूनाइटी डाला था, यही था इस शहर में, यूनाइटी डाला, हो भी गया, पहले राउंड में आ गया केमिकल इंजीनियरिंग काउंसलिंग में। फिर मैं गया सर लोग से बात किया, जो मेरे उस टाइम के एचओडी थे, वो थे सचिन सर करके, आज ही मिलता हूँ मैं उनसे। तो मैं बात किया कि सर ऐसा ऐसा है, तो कैसा है फिर, मैं इंस्टीट्यूट में भी मेरे को लेक्चर्स लेना है, यहाँ भी क्लास अटेंड करना है, कैसे होगा। तो बोले यार देख यार, मैं तो तेरे को मतलब चल भाई दोनों तरफ कर ले, लेकिन बाकी प्रोफेसर्स को अगर जो मतलब कोई अगर इस पे क्या बोलते उसको आपत्ति करता है अगर, तो फिर प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली में ये लीगली अलाउ नहीं है कि आप जो है मतलब ऐसा। तो फिर बाकी एक और सर थे, उनसे बात किया मैंने, सुनावने सर करके, उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला यार प्रॉब्लम हो जाएगा यार, क्योंकि 8-9 बजे तक तुम दोपहर में आओगे और 8 बजे तक के लैब में रहना पड़ जाएगा, मान लो किसी रीजन से कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है और तुम्हारा शाम को लेक्चर है वहाँ पे, क्या करेगा फिर तुम। मैं कहा यार बात तो सही है यार। अब बोले यार जब अगर किसी भी प्रोफेसर के अंडर है वो छोड़ेगा नहीं तेरे को, करना है तो करना है, नहीं तो जा रहे तो भाई जाओ फिर, भग जाओ, मत आना फिर कल से। मैं बहुत सोचा फिर मैं यार नहीं यार ये वैसा ही हो जाएगा, दो नाव में पांव डालने वाली बात हो जाएगी, है ना। तो मैं फिर नहीं गया, नहीं किया। चलिए स्टॉप कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो एमटेक एज मतलब एज सच आप, मैं ऐसा लोग कई लोग जॉब के लिए करते हैं एमटेक कर लूँगा तो और अच्छा जॉब, नहीं जॉब वगैरह में आपको हेल्प नहीं करेगा एमटेक कभी भी, एक अच्छा बीटेक ही हेल्प करेगा, एक अच्छे कॉलेज से बीटेक हेल्प करेगा जॉब में, एमटेक हेल्प नहीं करेगा। अगर आप एमटेक में जाते हैं तो इट मीन्स यू आर मोर इंक्लाइन टू डू सम रिसर्च एक्चुअली, और एमटेक कर लेने के बाद तो आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको पीएचडी करना ही पड़ेगा। एमटेक कर ली मतलब आप अब ना प्योरली जॉब के लिए बचे और ना आपने बहुत अच्छे से ऐसे रिसर्च किया है, एमटेक जस्ट स्टार्टिंग होता है रिसर्च का, ठीक है। तो किसी को अगर जाना है रिसर्च में तो ध्यान रखिएगा पीएचडी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जॉब ओरिएंटेड सोचते हैं जो बहुत ही अच्छे कॉलेज से बीटेक करिए, ऐसा है। और पीएचडी में भी आप पीएचडी कर लेते हैं तो उसके बाद ही बहुत अच्छे जॉब्स होते हैं, रिसर्च में फिर जॉब होता है, ठीक है। चलिए स्टॉप कर रहा हूँ ना फिलहाल मैं, लेक्चर का टाइम, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, बाय।